प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नामांकन के बाद नाम वापसी की प्रक्रिया भी आज पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब कटनी जिले की चारों विधानसभा की तस्वीरें भी साफ हो चुकी है। मुडवारा विधानसभा से 7, बहुरीवंशी विधानसभा से 4, विजय राघवगढ़ विधानसभा से 1 और बड़वारा विधानसभा से 1 उम्मीदवार अब मैदान छोड़ चुके हैं। वहीं मुडवारा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी अशोक विश्वकर्मा के मैदान छोड़ने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ चुकी है और बीजेपी की राह अब आसान होती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के बागी ज्योति दीक्षित से बीजेपी को नुकसान होने का अंदेशा लगातार बरकरार है। और अगर बात करें बड़बारा विधानसभा सीट की, तो निर्दलीय प्रत्याशी मोतीलाल कश्यप के नाम वापसी कराने खुद पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई उनके साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। बता दें कि बीजेपी चुनाव में अपने प्रत्याशियों की जीत के प्रति कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती, शायद इसीलिए बड़बारा और मुड़बारा से बीजेपी के बागी नेताओं के नामांकन वापस कराए गए हैं। हम इस समय बात करेंगे कटनी मुड़वारा विधानसभा से मतदाताओं का रुख क्या है, उनका क्या कहना है, जानेंगे उनकी बातें। इस समय जो हम खड़े हैं चाय की दुकान और सब्जी की दुकानों के पास, जो यहाँ पे दुकान से सब्जी लेने आए हैं उसे जानना चाहेंगे क्या सोच रखते हैं चुनाव को लेके, क्योंकि चुनाव भी बहुत करीब आ गया। आज नामांकन वापसी बात तस्वीरें बिल्कुल तरह से साफ हो चुकी है। हम जानना चाहेंगे जो चंद लोग सब्जी ले रहे हैं इनसे जानेंगे आज के समय में क्या हालात है, क्या सोच रखते हैं चुनाव को लेके। भाई साहब 2 मिनट बात करना चाहेंगे आपसे, क्या नाम है आपका? नारायण निषाद। जो चुनाव चल रहा है कटनी मुड़वारा विधानसभा में, जिस तरह की गहमा गहमी है, क्या लगता है आपको इस चुनाव के मद्देनजर, आपको क्या पता है क्या होने जा रहा चुनाव में? अभी मैंने प्याज लेने आया है। प्याज जो 80 रुपए किलो है, ये प्याज 80 रुपए किलो है, ये गरीब वर्ग के लोग कहाँ से चल पाएंगे? ये इनका विकास है, मोदी सरकार का विकास ये देखने को मिल रहा। ये सब्जी ले रहे हैं तो सब्जियां तो जो कि घर के बजट को भी बिगाड़ता है, इस समय महंगाई को लेके क्या कहेंगे आप? इस समय तो वास्तव में सब्जी बहुत महंगी चल रही है, जबकि सब्जी का जो सीजन है वो लगभग आ चुका है और अभी ऐसी स्थिति में घर का बजट जो है बिगड़ रहा है। एक आम ये चुनाव है, चुनाव में अब क्या लगता है सरकार का चयन भी होगा और प्रत्याशी को भी चयन किया जाएगा, तो चुनाव को किस तरह से देखते हैं आप? क्या लगता है कि जो विधानसभा हमारा मुड़वारा है, यहाँ से जो प्रत्याशी खड़े, इनमें क्या लगता है इस बार क्या रिपीट होने वाला है चुनाव, या क्या सोच रखते हैं बताएं आप? अभी तो जैसी वर्तमान स्थिति चल रही है उससे कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि कांटे की टक्कर है और कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशियों के खड़े होने से और जो समीकरण बनने वाले थे वो कुछ ना कुछ लड़खड़ा गए हैं। अभी आप इस चुनाव को किस तरह देखते हैं, क्या लगता है आपको? हमें तो यही लग रहा है कि भाजपा का तो फुल नुकसान होने वाला है। ज्योति दीक्षित के द्वारा भी देखिए, पहले भाजपा में रही, हम भाजपा से अलग होकर फिर अपना अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसी भी तरीके से आप देख लो तो भाजपा का पूरा नुकसान है, क्योंकि इनके खुद के कार्यकर्ता भी असंतुष्ट हैं और जनता तो असंतुष्ट है ही है। यानी कि महंगाई की हर लोगों ने बात किया और प्याज पे लेगा ठीकरा फोड़ा, प्याज जहाँ 20 रुपए किलो, 100 रुपए किलो पे आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं आम जनता की अगर बात करें तो इस महंगाई को भी मद्देनजर रखते हुए मतदान करेगी। वहीं अगर हम मुड़वारा विधानसभा की बात करें, जिस तरह की कांटे की टक्कर देखा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाली जो महंगाई, और देखना होगा इसको परिणाम किसके पक्ष में जाता है। फिलहाल जनता भी बहुत शांत है। MKN के लिए ज्यादा से देखिए, हम सब लोग अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सकते हैं और मैं आज अपने परिवार के जो हमारे सदस्य हैं, आदरणीय अशोक जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मोती कश्यप जी और आदरणीय विनोद तिवारी, आप सभी लोगों ने अपने फॉर्म से नामांकन वापस लेकर और भारतीय जनता पार्टी परिवार में पुनः अपने पूरे मनोयोग के साथ काम करने का हमको आश्वासन दिया और पार्टी के पक्ष में और हमारे प्रत्याशी के पक्ष में नामांकन वापस लिया। और परिवार में जैसे हम लगातार हमेशा काम करते हैं और राष्ट्र सर्वोपरि है, समाज सर्वोपरि है, इसके नहीं भी हमारे एक एक कार्यकर्ता को तैयार किया जाता है। मैं अशोक जी को, विनोद जी को, मोती कश्यप जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने पार्टी के पक्ष में अपने विषय को रखते हुए अपने नाम